यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऋषिकेश मुनि की रेती में OIMT कॉलेज में 21 मई से क्वारंटीन हो रखे प्रवासी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने प्रशासन से अपील की है कि उनके साथ के 40 लोगों का सैंपल टेस्ट के लिए गया, जिसमें 32 लोगों का सैंपल रिपोर्ट 4 जून को नेगेटिव आई और यहां से 47 लोगों को घर भेज दिया गया और हमारी सैंपल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जबकि हमें 19 दिन हो गए हैं, लेकिन हमें ना ही घर भेजा जा रहा है और ना ही सैंपल रिपोर्ट अभी आई है, जबकि और क्वारंटीन सेंटरों में लड़कों को 10 दिन में ही घर भेज दिया गया है, जिससे कि हम मानसिक परेशान चल रहे हैं, अतः हमें भी घर भेज दिया जाए। भाइयों, हम ऋषिकेश मुनि की रेती में OIMT कॉलेज में क्वारंटाइन हो रखे हैं। हमें जो है यहाँ पर आज 18 दिन हो गए हैं क्वारंटाइन के। हमारा संस्थागत क्वारंटाइन जो है तो 14 दिन का था, लेकिन हमें यहाँ पर आज 18 दिन हो गए हैं। हमारे साथ में 55 लोग और थे जो इस स्कूल में क्वारंटाइन हो रखे थे, उनमें से 40 लोगों का सैंपल गया था, लेकिन 40 लोगों में से 32 लोगों की सैंपल रिपोर्ट आई नेगेटिव। उन 32 लोगों को और उसके साथ में जो और 15 लोग थे जिनका सैंपल नहीं गया था, 47 लोगों को घर भेज दिया गया है और यहाँ पर सिर्फ हम 8 लोगों को रोक के रखा है कि हमारी अभी तक सैंपल रिपोर्ट नहीं आई है, जबकि हमें संस्थागत क्वारंटाइन से आज 4 दिन ज़्यादा हो गए, एक्स्ट्रा हो गए हैं, और फिर भी हमें यहाँ पर क्वारंटाइन करके रखा है। और हम अगर इन अधिकारी लोगों से BO साहब से बात करें तो BO साहब परसों 4 तारीख से हमें आश्वासन दिला रहे हैं कि या तो शाम 8 बजे या सुबह 8 बजे यही बोल रहे हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी, आज नहीं तुम्हें कल छोड़ दें, बस कल छोड़ दें, ऐसा कह गए कि 4 दिन हो गए लेकिन हमें अभी तक यही रोक के रखा है, जबकि हमारे साथ में जो 55 लोग और थे हमारे साथ में यहाँ पर, टोटल हम जो 55 लोग थे उनमें से 47 लोगों को घर भेज दिया गया, उसमें से सिर्फ 32 लोगों की सैंपल रिपोर्ट आई थी और 15 लोगों को भी उनके साथ में घर भेज दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ कहा जा रहा है कि हमारी अभी सैंपल रिपोर्ट नहीं आई है, तो सैंपल रिपोर्ट हमारी अब कब तक आएगी? हमारा सैंपल 25 तारीख को चला गया था लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, जबकि 27 तारीख, 28 तारीख, यहाँ तक कि 31 तारीख को, 1 तारीख को जिनका सैंपल गया था उनकी भी रिपोर्ट आ चुकी है, और जिनका संस्थागत क्वारंटाइन 14 दिन का भी पूरा नहीं हुआ है उन्हें भी घर भेज दिया है, जिनको 8 दिन 10 दिन यहाँ पर, अदरवाइज जो और जगह पर फंसे हुए और जगह पर जिन्हें क्वारंटाइन किया था उन्हें सिर्फ 8 दिन और 10 दिन ही हुए हैं और उन्हें भी घर भेज दिया गया है। सिर्फ हम 8 लोगों को ही यहाँ पर रोक के रखा है कि हमारी सैंपल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, सैंपल रिपोर्ट आएगी तो हमें घर भेज दिया जाएगा। हम आज से, अभी हमने खाना पीना भी नहीं खाया है, इसके लिए उत्तराखंड सरकार जवाब दे रहेगी, अगर यहाँ पर किसी के साथ कोई घटना घट गई है तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और इस बात के लिए कोई भी राजनीतिक समाजसेवी हमारे साथ में हमारी मदद के लिए खड़े नहीं हैं। जब हमने घनसाली विधायक माननीय श्री सत्यलाल शाह जी को फ़ोन के माध्यम से बताया कि हमारे साथ में 55 लोग थे, 47 लोगों को घर भेज दिया है और सिर्फ हम 8 लोगों को यहाँ पर रोक के रखे हैं, तो माननीय विधायक जी कहते हैं कि मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है और मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सैंपल रिपोर्ट का कोई भरोसा नहीं है कब तक आएगी।